जैन साथियों, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं SIS सिक्योरिटी गार्ड में इस बार भारी मात्रा में वैकेंसीज आया है। अब वैकेंसीज होने का क्या कारण है? पिछला बार जब लॉकडाउन लगा था, उस लॉकडाउन में बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स जो है कोरोना के कारण ड्यूटी छोड़कर, यूनिट छोड़कर गांव चले गए थे, जिसके कारण उस टाइम SIS सिक्योरिटी कंपनी में भारी मात्रा में वैकेंसीज आया था। और वही वैकेंसीज आया और उसी टाइम में मैं भी भर्ती हुआ और मैं भी ड्यूटी कर रहा। और इस बार भी जिस तरह का माहौल है कोरोना का, बहुत सारे लोग होली के छुट्टी में गांव गए और कोरोना के कारण वापस नहीं आ पाए, जिसके कारण अभी भी बहुत सारे कंपनियों में हमारा SIS सिक्योरिटी गार्ड का बहुत सारी वैकेंसीज है। लेकिन अभी दिक्कत क्या है? SIS को जरूरत है सिक्योरिटी गार्ड्स का, लेकिन उसके पास अभी गार्ड्स अवेलेबल है ही नहीं। इसके वजह से वैकेंसीज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब जो पुराने गार्ड थे, जो लोग ड्यूटी कर रहे थे, वो लोग गांव चले गए और कोरोना के कारण। और दूसरी बात, एक तो उसको डर है कोरोना होने का, अपने सेहत का ख्याल है, अपने जान का ख्याल है उसको, इसके वजह से नहीं आ रहा। दूसरा बात, वो ट्रांसपोर्टेशन में भी थोड़ा दिक्कत है, यातायात में भी थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम चल रहा है, इसके वजह से लोग गांव में ही रुक गए हैं, यूनिट को नहीं आ पाए हैं, जिसके वजह से SIS में बहुत सारा वैकेंसीज है। अभी के डेट में लगभग SIS के अंदर जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, लगभग सभी यूनिट में 2, 4, 5 इस तरह करके, बड़े बड़े यूनिट में तो 8-10 गार्ड्स का भी रिक्वायरमेंट है। इस तरह से वैकेंसीज अभी बहुत ज्यादा है। तो अभी क्या है, बहुत सारा कंपनी, हाँ एक बात और है, ये जो कोरोना खत्म हो जाएगा, कोरोना खत्म होगा या ये जो लॉकडाउन लगने वाला है या जो इस तरह का हवा चल रहा है ये खत्म हो जाएगा, इसके बाद जो है लोग भर भर के आएंगे SIS में, और अगले 2-3 महीना में SIS फुल हो जाएगा। फुल तो नहीं होगा क्योंकि नया नया यूनिट आते रहता है, जाते रहता है, उसका दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत तो वैकेंसी होते रहता है। लेकिन अभी जो भारी मात्रा में खाली हुआ है सीट्स, भारी मात्रा में जो वैकेंसीज आई है, वो कोरोना के बाद अचानक से भरेगा, क्योंकि अभी क्या है, बेरोजगारी चल रहा है, जीवन कैसे चलेगा यार, समझ में नहीं आ रहा है। आदमी कोरोना से डर रहा है, गांव जा रहा है तो रोजगार जा रहा है, रोजगार उसका खत्म हो रहा है, वो बेरोजगार हो रहा है। अब बेरोजगार से रोजगार अगर पाना चाहता है तो उसको कोरोना से भी डर है, बेचारा करे तो करे, क्या करे। तो इसीलिए जो है अभी बहुत सारे लोग कोरोना के कारण गांव में हैं। जैसे कोरोना खत्म होगा वैसे सब लोग SIS को ज्वाइन करेंगे और ड्यूटी करेंगे, क्योंकि आर्थिक तंगी एक ऐसा चीज है आदमी को मजबूर कर देता है बाहर निकलने पर। आर्थिक तंगी एक ऐसा चीज है आदमी को मजबूर कर देता है बाहर निकलने पर, और वो आज इंडिया के मैक्सिमम युवाओं के साथ हो रहा है, मैक्सिमम युवाओं के साथ हो रहा है ऐसा। तो अभी वैकेंसी चल रहा है, अगर आप सभी को SIS ज्वाइन करना है तो अभी जाके SIS के किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइनिंग हो जाएगा। और अगर आप ट्रेनिंग सेंटर में नहीं कीजिएगा तो आप ब्रांच ऑफिस से भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ऑल इंडिया के किसी भी SIS के ब्रांच ऑफिस में जाइए और वहां पे आप भर्ती हो जाइए, भर्ती आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ थोड़ा सा अभी प्रोसेस क्या है, थोड़ा लंबा चल रहा है। आप आइएगा, आपको चेक किया जाएगा, आपका कोविड टेस्ट किया जाएगा, हाँ ये सब सारी प्रक्रियाओं में आप पास हो जाते हैं, बोले तो आपका फीवर कुछ भी फीवर उवर नहीं है, आपका कोविड
आप पॉजिटिव नहीं है, है ना। और एक गार्ड बनने के जो बेसिक प्रोसेस होता है उन सभी प्रक्रियाओं को पूरा करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से किसी भी ब्रांच ऑफिस में, SIS के किसी भी ब्रांच ऑफिस में या किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में आप आराम से ज्वाइनिंग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये जानकारी पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।